Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. अच्छे वक्त को हुकूमत ने जाया कर दिया है और बहरान से निपटने के लिए कुछ नहीं बचा। कंजर्वेटिव रहनुमा कहते हैं लिबरल हुकूमत ने आवाम को बेयारों मददगार छोड़ दिया है। कनाडा में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 67 हो गई। खवातीन हॉकी वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया गया है। कैनेडियन हुकूमत ने क्रूज शिप में मौजूद कैनेडियन शहरियों को तैयारी के जरिए वापस लाने का फैसला कर लिया। दुनिया भर की तरह कनाडा भर में भी खवातीन के आलमी दिन के मौके पर तकरीबात का इनेकाद। मार्च के शुरू करने खवातीन के हुकूक की फराहमी के साथ अहम मुतालबात किए। हैमिल्टन के एक बार में फायरिंग, दो अफराद हलाक, दो जख्मी। पुलिस की जानिब से वाकई की तहकीकात की जा रही है। कोरोना वायरस 109 ममालिक में फैल गया। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 3831 हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 26% तक कमी रिकॉर्ड हुई। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बैठ गईं। अमरीका मोहलिक वायरस बनाने में मसरूफ। रूस का इंकशाफ, इंसान कुश और वबाई बीमारियां फैलाने वाले खतरनाक वायरस तैयार किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में बगावत के इल्जाम में मजीद 20 शहजादे गिरफ्तार। महलाती साजिशों और गिरफ्तारियों के बारे में सऊदी हुकूमत की जानिब से अब तक सरकारी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। अमेरिका में प्राइमरी सदारती इंतखाबात खूनी मार्के में तब्दील हो सकते हैं, जो बाइडेन ने खदशात जाहिर कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव पार्टी के मालियाती निकात। क्लेयर पोलिवर का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव और मुल्क भर में रेल लाइनों की बंदिश के मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़े हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव पार्टी के मालियाती निकात पेयर पोलिवर का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव और मुल्क भर में रेल लाइनों की बंदिश के मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़े हैं, जबकि लिबरल हुकूमत ने आवाम को बेयारों मददगार छोड़ दिया है। पोलिवर ने कंजर्वेटिव पार्टी के बजट का खाका पेश करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अच्छे वक्त को हुकूमत ने ज़ाया कर दिया है और बहरान से निमटने के लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि हमें मौसी मसाइल का सामना है, हमारे पास इन मसाइल से निमटने के लिए सरप्लस नहीं है। चंद रोज कबल कनाडा के वजीर तजारत बिल मॉर्नियो ने कहा था कि ट्रूडो हुकूमत आने वाले बजट में कोरोना वायरस के सबब मुल्की मईशत को दरपेश मसाइल के हवाले से अहम इकदाम करेगी। मॉर्नियो का कहना है कि बजट में रिस्क एडजस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा, जिसमें कोरोना वायरस के सबब कैनेडियन मईशत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात से निमटने में मदद मिलेगी। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कैनेडियन हुकूमत ने क्रूज शिप में मौजूद कैनेडियन शहरियों को तैयारी के जरिए वापस लाने का फैसला किया है, जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 67 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ अल्बर्टा में 4 केसेस सामने आए। ऑन्टेरियो में मजीद 3 नए केसेस सामने आने के बाद सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 33 हो गई है। क्वेबेक में वायरस का एक और केस सामने आने के बाद सूबे में मरीजों की तादाद 4 हो गई है, जिनमें 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि दीगर 2 की टेस्ट रिपोर्ट की लेबॉर्टरी से तस्दीक होना बाकी है। क्वेबेक की वजारत सेहत की जानिब से सूबे में मुतअद्दिद ऐसे क्लिनिक्स कायम किए जा रहे हैं, जिनमें कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज होगा। मॉन्ट्रियल का ओटल दियोज हॉस्पिटल कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी क्लिनिक बन जाएगा। आने वाले दिनों में हॉस्पिटल का बंद इमरजेंसी रूम कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए तैयार होगा। दूसरी जानिब कैनेडियन हुकूमत ने क्रूज शिप में मौजूद कैनेडियन शहरियों को तैयारी के जरिए वापस लाने का फैसला किया है, जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कैनेडा के वजीर खारजा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि ग्रैंड प्रिंसेस से वापस लाए जाने वाले शहरियों को 14 दिन तक मशीकी ऑन्टेरियो में कैनेडियन फौज के ट्रेंटन बेस में रखा जाएगा। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा के मुताबिक क्रूज शिप में मौजूद कैनेडियन की तादाद 237 है। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि नोवल कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में लाखों अफराद को कोरोना वायरस के सबब घर में काम करना पड़ सकता है।
सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वेबेक के डिस्टेंस लर्निंग स्कूल की एक बिजनेस प्रोफेसर की जानिब से कहा गया है कि तहकीक में ये बात सामने आई है कि मालूमात में रुकावट के बावजूद टेली कम्युनिकेटिंग के सबब काम के मयार और पैदावार में इजाफा हो सकता है। मौलिक वायरस के सबब वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया गया है। इस बात का ऐलान वर्ल्ड कप कमेटी ने हैलीफैक्स में किया। कमेटी का कहना है कि 31 मार्च से शुरू होने वाले खवातीन हॉकी वर्ल्ड कप का इनेकाद कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र मुलतवी किया जा रहा है। वर्ल्ड कप की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। टोरंटो की गलियों में वुमेन डे की मुनासबत से रैली और मार्च का इनेकाद किया गया जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह कनाडा भर में भी खवातीन के आलमी दिन के मौके पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। टोरंटो की गलियों में वुमेन डे की मुनासबत से रैली और मार्च का इनेकाद किया गया जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मार्च में शरीक खवातीन और मर्दों ने हाथों में बैनर्स प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर उन्होंने जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक लड़ाई जारी रहेगी के नारे लगाए। मुजाहरीन ने कैनेडियन हुकूमत से मुकामी अफराद को उनके हकूक देने और माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ अमली इकदामात करने का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब मॉन्ट्रियल में भी खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। तहम सब का एक ही मकसद था कि औरतों के हकूक का तहफ्फुज़ किया जाए। मॉन्ट्रियल में मुनक्किद होने वाला मार्च जो पिछले 18 सालों से जारी है उसका मकसद बदरशाही सरमायादारी साम्राज्यत इस्तेमार और नसर परस्ती के खिलाफ मुजामत को मुतहर्रिक करना है। मुंतजमीन की जानिब से कहा गया है कि वो न सिर्फ औरतों के हकूक की हिमायत करते हैं बल्कि फिलिस्तीन कुर्द फिलिपाइन की आवाम और दीगर मजलूम कौमियतों समेत कनाडा के मुकामी अफराद के हुकूक की हिमायत करते हैं। कुछ बात कर लेते हैं पुलिस की जानिब से हैमिल्टन में फायरिंग के वाकये पर कहा गया है कि इस किस्म के वाकयात किसी सूरत नाकाबिले कबूल हैं जबकि वाकये की मजीद तहकीकात की जा रही है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हैमिल्टन के एक बार में फायरिंग के सबब 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। जासूसों की जानिब से कहा गया है कि वो साल की 3री खतरनाक शूटिंग की तहकीकात कर रहे हैं। हैमिल्टन पुलिस के मेजर क्राइम यूनिट की जानिब से हमलावर का कद 5 फीट 10 इंच उम्र 30 साल बताई गई है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इसने गहरे रंग की जीन्स पहनी हुई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो 3 मर्द और 1 औरत वहाँ जख्मी हालत में पड़े हुए थे। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। 39 साल शख्स को अस्पताल में हलाक करार दे दिया गया जबकि 25 साल खातून चंद घंटों बाद दौरान इलाज चल बसी जबकि 2 जख्मियों की हालत अब खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इस किस्म के वाकयात किसी सूरत नाकाबिले कबूल है जबकि वाकये की मजीद तहकीकात की जा रही है। कुछ बात करेंगे दुनिया भर में कोरोना का खौफ 109 ममालिक लपेट में आ गए। 3830 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। चीन में मरने वालों की तादाद 3120 है। इटली में एक रोज में 133 अफराद हलाक हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस 109 ममालिक में फैल गया। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 3831 हो गई। इटली में मौलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 366 हो गई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 4 नए केसों की तस्दीक हुई, तादाद 15 हो गई। मशरिकी सूबा कतीफ में लॉकडाउन कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना का खौफ 109 ममालिक लपेट में आ गए। 3830 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। चीन में मरने वालों की तादाद 3120 है। इटली में एक रोज में 133 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की तादाद 366 हो गई। आर्मी चीफ भी कोरोना का शिकार हो गए। हुकूमत ने मुल्क की 25% आबादी को करंटीना में रखने का ऐलान कर दिया। ईरान में 194 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीका 34 रियासतों में 554 केस सामने आ गए। फ्रांस में 19, जनूबी कोरिया में 53, स्पेन में 17, अमरीका में 22, इराक में 6, मिस्र में 1 शख्स कोरोना की वजह से हलाक हो गया। सऊदी अरब में 11 अफराद में कोरोना की तशखीस के बाद मशरकी इलाके कतीफ को बंद कर दिया गया। आमदोरफ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रियाज में तालीमी इदारे गैर मुयना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 1991 की खलजी जंग के बाद 29 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 31% कमी के बाद $28.56 फी बैरल पर आ गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 29 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। आलमी मंडी में 26% तक रिकॉर्ड कमी हुई। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बैठ गईं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 1991 की खलजी जंग के बाद 29 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत 31% कमी के बाद $28.56 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल 29% कमी के बाद $32.21 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। ओपेक इजलास में रूस ने तेल की यौमिया पैदावार में कमी से इनकार कर दिया था। सऊदी अरब
अरब ने तेल की कीमतें नीचे गिराई, जिसके बाद आलमी मंडी में कीमतों में बड़ी कमी आई है। उधर एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान रहा। जापान स्टॉक मार्केट में 7% की कमी हुई। थाईलैंड स्टॉक मार्केट 6%, जुनूबी कोरिया स्टॉक मार्केट 4%, चीनी स्टॉक मार्केट 3% तक गिर गई। हांगकॉन्ग स्टॉक मार्केट में 3.5%, भारत 3%, सिंगापुर 4%, बांग्लादेश स्टॉक मार्केट में 2.2% कमी हुई। कुछ बात करते हैं रूसी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीका ने जॉर्जिया में रूसी सरहदों के करीब जरासीमी हथियारों की एक फैक्ट्री कायम कर रखी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका ने जमूरिया जॉर्जिया में रूसी सरहदों के करीब जरासीमी हथियारों की फैक्ट्री कायम कर रखी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस बात का इंकशाफ रूस की वजारत दिफा के जारी करदा एक बयान में किया गया है। रूसी वजारत दिफा ने बताया है कि हमारी तहकीकाती टीम के जायजे के मुताबिक अमरीका ने जॉर्जिया में रूसी सरहदों के करीब जरासीमी हथियारों की एक फैक्ट्री कायम कर रखी है, जहाँ मुख्तलिफ इकसाम के इंसान कुश और वबाई बीमारियाँ फैलाने वाले खतरनाक वायरस तैयार किए जा रहे हैं। रूसी वजारत दिफा ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि अमरीका ने 300 लेबॉर्ट्री से रूसी शहरियों के जीनियाती सैंपल भी हासिल किए हैं, ताकि उन्हें इस फैक्ट्री में हयातियाती और जरासीमी हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सके। मॉस्को में जॉर्जिया में जरासीमी हथियारों के अमरीकी फैक्ट्री के कयाम को तमाम बैन अलाक्वामी कवानीन के मनाफी नेज रूस और चीन के लिए खतरा करार दिया है। कुछ बात कर लेते हैं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम में मजीद 20 शहजादों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें फौज के साबिक इंटेलिजेंस सरबरा नाइफ बिन अहमद भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी हुकूमत ने शाही खानदान में बगावत को कुचलने के लिए क्रैकडाउन को बढ़ाते हुए मजीद 20 शहजादों को गिरफ्तार कर लिया है। गैर मुल्की खबर साइदारे के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम में मजीद 20 शहजादों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें फौज के साबिक इंटेलिजेंस सरबरा नाइफ बिन अहमद भी शामिल हैं। दो रोज कबल भी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता उलटने की साजिश के इल्ज़ाम में उनके चचा शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज, चचा जाद भाई और साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ और शाही खानदान के अहम तरीन फर्ज ज़्यादा नवाफ बिन नाइफ को उनके महलात से हिरासत में ले लिया गया था। सऊदी हुकूमत ने शाही खानदान के इन आला तरीन अरकान के साथ साथ उनके करीब समझे जाने वाले हर शख्स, वजारत दाखिला के दर्जनों हुकाम, सीनियर फौजी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुखालिफ होने का शुबा हो। इन महलाती साजिशों और गिरफ्तारियों के बारे में सऊदी हुकूमत की जानिब से अब तक सरकारी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। सऊदी अरब में बादशाह तो शाह सलमान है, लेकिन अमली तौर पर बागदौड़ उनके बेटे और वलीहद मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में है। जो बाइडन ने कहा है कि हम अपनी पार्टी को तोड़ सकते हैं और ना ही ट्रंप को दोबारा सदर मुंतखब कराने का मौका दे सकते हैं, लगता है अब की बार प्राइमरी इंतखाबात में खून की नदियां बह सकती हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मुतवक्के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने खदशा जाहिर किया है कि अमेरिका में प्राइमरी सदारती इंतखाबात खूनी मार्के में तब्दील हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत मैरीलैंड फंड रेजिंग मुहिम के दौरान डेमोक्रेट उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स की तरफ से किए गए तनकीदी हमलों पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि हम अपनी पार्टी को तोड़ सकते हैं और ना ही ट्रंप को दोबारा सदर मुंतखब कराने का मौका दे सकते हैं, लगता है कि अब की बार प्राइमरी इंतखाबात में खून की नदियाँ बह सकती हैं। ख्याल रहे कि दोनों सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स और जो बाइडन मंगल के रोज एधावा, मिसिसिपी, मिजूरी, वॉशिंगटन, नॉर्थ डिकोटा और मिशिगन में इंतखाबी मार्का होने जा रहा है। ताहम मिशिगन में जो बाइडन की कामयाबी सैंडर्स की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। कबल अजी 78 साल सैंडर्स नवंबर में होने वाले इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के अहम हरीफ हो सकते हैं। 29 फरवरी को साउथ कैरोलिना में जो बाइडन की कामयाबी डेमोक्रेट पार्टी के एतदाल पसंद बाजू को अगले मराहल में कामयाबी का अहम मौका फराहम कर सकता है। इसी के साथ ही टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी।